हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों अभी रिसेंटली में मई जून में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे सिक्स सेमेस्टर के, उनका रिजल्ट आया था। ठीक है, रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। रिजल्ट में फेल, अब्सेंट और ईआर जैसे चीज़ें देखने को मिल रहा था। तो अभी क्या है कि एसएल ने रीचेकिंग और री इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो फॉर्म अपलोड कर दिया है। आप लोगों को इसको कैसे फिल करना है, क्या फीस रहेगी, कितने टाइम तक डेट रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इस फॉर्म, इस वेबसाइट पे आके ये फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है, इसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट फ़ीस है। ठीक है, यहाँ पर माइग्रेशन का भी है, अगर कोई बच्चा ड्यू एसएल से ड्यू में जाना चाहता है रेगुलर में तो। ठीक है, रीचेकिंग और री इवोल्यूशन, पहले इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। आपका रीचेकिंग में क्या होगा कि आपने जो पेपर लिख के आए हैं उस पर जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर सही से कैलकुलेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो नंबर सही से ऐड किया गया है या फिर नहीं किया गया है। ठीक है, पहला चीज़। री इवोल्यूशन में रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि आपका जो पूरा पेपर है वो फिर से चेक होगा। आपने जो जो चीज़ लिखी है क्या वो जो टीचर थे जो चेक कर रहे थे वो सही से चेक किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, ये चीज़ें चेक होगी। दोनों में डिफरेंस समझ गए। इसकी फ़ीस आपको 750 पर सब्जेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है क्लिक करके। ठीक है, अब मैं ये फॉर्म को है डाउनलोड करके वो करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम ये रिवोल्यूशन रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड, और डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका फॉर्म। ठीक है, इसमें आपको फ़ोटो अटैच करना है। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि आपकी जब रिजल्ट में DSE यानी कि डिसिप्लिन और SEC यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट स्कोर्स, अगर इन दोनों में फेल या फिर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, ERAB, तो आप लोग अपने SOL में जाएंगे। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो अपने डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करेंगे, वो अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करेंगे, और जो SOL के बच्चे हैं वो SOL नॉर्थ कैंपस में जाके वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको सिंपली पूरा डिटेल आपको भर देना है, 8 डिटेल्स हैं। ठीक है, नीचे आपको एग्ज़ाम का कोड, ठीक है, टाइटल ऑफ द पेपर, क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर, ये ऑप्शनल है, ये आपके अगर याद है तो भर दो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मार्क्स कितने मिले हैं, ठीक है, ये सब कुछ इसमें फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, वो भी आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे आपको जो भी चीज़ दी गई है वो सब कुछ आपको लेके आपके नियर बाई एस, देखिए यहाँ पे ₹1000 फीस दी गई है। ठीक है, ₹1000 पर सब्जेक्ट टू बी डिपॉजिट विद द यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आपको SOL के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, अगर ये फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो आप लोग SOL में विजिट करना। ठीक है, SOL नॉर्थ कैंपस, SOL नॉर्थ कैंपस में एक साइड में एक कंप्यूटर का कैफ़े है, वहाँ पे जाके आप लोग ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो क्या है कि वो आपको हेल्प कर देंगे फॉर्म फिल करने में, प्लस में जो भी फीस होती है वो आपको बता देंगे किस तरीके से कहाँ पे सबमिट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी के मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में जो 4 नंबर गेट है वहाँ पे जाके सबमिट होती है, लेकिन फिर भी आप लोग SOL में जाके एक बार कन्फर्म कर लेना। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे कि सर इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देखिए अब ये चीज़ मैं कहना मतलब थोड़ा सा नहीं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट, क्योंकि सेमेस्टर के ही रिजल्ट इतने लेट आते हैं, तो री इवोल्यूशन री चेकिंग के रिजल्ट कब तक आएंगे कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो बच्चे फिल करना चाहते हैं वो अपने फिल कर देंगे, नहीं तो एक ऑप्शन होता है कि अगले साल जो 2023 है, 2023 में वो लोग अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं। ठीक है, ER के पेपर को, फेल के पेपर को, जो भी। तो जो बच्चे रीचेकिंग करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर फॉर्म से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग जहाँ पे साइबर कैफ़े है SOL में नॉर्थ कैंपस में, वहाँ पे जाके आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो पूरा प्रॉपर गाइड कर देंगे आपको फॉर्म वगैरह वो फिल करा देंगे। फ़ोटो लेके जाना आप एक, ठीक है, सॉरी फोटोकॉपी मार्कशीट की, जो मार्कशीट आई वो फोटोकॉपी, आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ लेकर जाना, और पेपर वगैरह का सब कुछ डिटेल्स लेकर ही जाना। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।